फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बनाएंगे जिसे आप लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, टोपी स्वेटर में डाल सकते हैं और टॉप वगैरह में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, ब्लैंकेट्स में भी डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन है ये और यहाँ पे हम दो कलर में इसे बनाएंगे। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपको मल्टी कलर में बनाने के लिए क्या करना होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें, हो सकता है आपको कोई ऐसी डिज़ाइन मिल जाए जिसे आप काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हो। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस डिज़ाइन को हम स्टार्टिंग से बनाएंगे। देखिए, यहाँ से पहले हमने गांठ लगाई। अब इसके बाद हमें 13 के मल्टीपल में चैन लेना। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से लूज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13। फिर वापस से 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 26। तो ऐसे ही हम चैन बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 52 चैन बनाई है, 52 चैन बनाई है फर्स्ट वाले में ही। देखिए, इसके बाद देखिए, ये जो फर्स्ट है इसका सेकेंड चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए, ये हमने 5 बनाया। अब जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1, 2 और ये 3, ये हमने 3 बनाया। फिर इसके बाद फिर हम 5 बनाएंगे, 1 अलग अलग, 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे 2 स्किप करेंगे। देखिए, 1 और 2। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे 13 कंप्लीट हो गया, एक स्किप करेंगे तो इतना। फिर यही पैटर्न हमको रिपीट करना है। देखिए, 1, 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक एक करके, 1, 2, 3, 4 और ये 5। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया भी ले सकते हैं। अब देखिए, फिर नेक्स्ट आया तो इसमें हम 3 बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, ये हमने 3 बनाया। फिर इसके बाद 5 बनाएंगे। देखिए, 1, 2 और ये 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 हो गया। फिर इसके बाद हम 1, 2 स्किप करेंगे। देखिए, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में फिर से हम सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिया। फिर नेक्स्ट में फिर देखिए, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 5 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ऐसे ही हम ये पैटर्न पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली है, लास्ट में हमारे पास ये एक चेन बची है। तो आप 13 का मल्टीपल लेंगे तो ये एक चेन आपके पास लास्ट में बच जाएगी। अब फिर यहाँ से हम टर्न होंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है। देखिए, जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया, इसमें हम इस तरह से एक लूप लेंगे यहाँ पे, फिर सेकंड वाले में एक लेंगे। ये देखिए, जो फर्स्ट है उसी में हमने लिया है और इन दोनों को एक साथ बुन देंगे। अब यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही, 1, 2, 3 और ये 4, ये हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब ये जो बीच वाला, देखिए, इसमें हम 3 बनाएंगे, 1, 2 और ये
3, ये हमने इसमें बनाए। फिर वापस से हम यहाँ से 5 बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4, लास्ट वन 5, ये 5 हो गया। अब फिर देखिए एक सिंगल क्रोशिया हमारा यहाँ छूटेगा और एक यहाँ, 1, 2, 2 स्किप करेंगे, देखिए 1, 2, फिर थर्ड वाले में फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह, 3, 4 और ये 5 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 ये बनाया। फिर 5 बनाएंगे नेक्स्ट से, 1, 2, 3, 4 और ये 5 बनाए। फिर 2 स्किप करेंगे, देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड से फिर बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को आपको कंप्लीट करना है। देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाया है, तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 तो 4 तो एक साथ बनाएंगे, 5th और 6th हम एक में बनाएंगे, देखिए 1, फिर यहाँ पे लास्ट में ये इस तरह से ये। अब यहाँ पे हमें दूसरा ऊन जोड़ लेना है, ये देखिए ये हम थर्ड रो पर आ गए हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले बताया कि आप सिंगल क्रोशे की जगह डबल क्रोशे का भी यूज़ कर सकते हैं, अब मैंने जैसे सिंगल क्रोशे बनाया डबल क्रोशे बना सकते हैं, इससे डिज़ाइन बड़ी बड़ी बनेगी। अब देखिए यहाँ पे हम एक चैन लेंगे, अब देखिए एक चैन हमने लिया, अब फर्स्ट वाले में देखिए जो हमने ये फर्स्ट बनाया इसमें एक लेंगे और इसके बाद वाले में ये, इनको हम एक साथ बनाएंगे, ये देखिए ये एक हो गया सिंगल क्रोशिया, फिर ये सेकेंड सिंगल क्रोशिया, फिर ये थर्ड सिंगल क्रोशिया, फिर ये 4th और ये 5th, ये देखिए ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब जो सेंटर वाला है इसमें हम 3 बनाएंगे, कि 1, 2, 3 फिर 5 बनाएंगे, देखिए 1, 2 और ये 3, फिर ये 4 और ये 5। फिर देखिए यहाँ पे हम 2 स्किप करेंगे, 1, 2 फिर थर्ड में बनाएंगे, देखिए 1, 2 स्किप किया, थर्ड में हमने फिर से बनाया। तो ये जैसे हमने क्रीम की सेकेंड रो बनाई है वैसे ही हम इसे बनाते जाएंगे। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 लास्ट में हमने 4 बनाया है, फिर देखिए यहाँ पे 5th और 6th ये दोनों हमें एक साथ बनाने हैं, क्योंकि कॉर्नर पर हमें डिक्रीज करना है। फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे, एक चैन लेंगे, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में एक बनाएंगे, सेकंड वाले में एक बनाएंगे, ये देखिए, और फिर इसे हम एक साथ बना लेंगे। तो जैसे हमने अभी तक की सारी रोज बनाई थी वैसे ही बनाना है। देखिए 4 बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4 हमने बनाया। अब 5th में हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5 बन गया। फिर 2 छोड़ेंगे, 1, 2 छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 और 6 में फिर 3। तो ऐसे ही इसे बना के हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनने लगी है, ये देखिए। फिर इस रो के लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया मैंने अलग अलग बनाया, देखिए 1, 2, 3, 4 फिर 5th और जो 6th है लास्ट में हम यही करते हैं, 5th और 6th हम एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ से आपको फिर कलर चेंज करना है, तो हमारी जो डिज़ाइन की रो है वो यहाँ स्टार्ट होगी। देखिए ये हमने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा, ये हमने एक साथ बनाया, फिर इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया, तो जो सेंटर में है देखिए यहाँ पे क्रीम की जो सेंटर में यहाँ पे हमने 3 बनाए, 1, 2, 3 इसको देखना है कहाँ पर, देखिए ये हमारी इसकी सीध में है, तो ये जिसकी सीध में है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ये देखिए। ये हो गया।
फिर इसके बाद हम एक और बनाएंगे यहाँ पे, ये जो बीच वाला है सेंटर वाला, इसे लेके हम एक और थोड़ा सा लूज लेंगे और फिर इसे हम बना लेंगे। देखिए हमने दो बनाया। अब इसके बाद हम वन टू स्किप करेंगे, थर्ड वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 हो गए हमारे पास, 5 हो गए। तो अब हम इसमें तीन बनाएंगे, देखिए 1 2 3, 3 हो गया। अब देखिए 3 होने के बाद फिर हम एक सिंगल बनाएंगे, एक। फिर इसके बाद देखिए ये जिसमें हमने ये वाला बनाया है सेकंड वाला, जिसमें इसमें सेकंड वाला बनाया है, इसमें फिर से हम एक और बनाएंगे इस तरह से, लूज लेंगे थोड़ा सा और फिर इस तरह से, ये देखिए ये बनाया। फिर इसके पास वाले में इस तरह से देखिए ये हमने ये बनाया। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 स्किप करेंगे, जहाँ हमने बनाया था उसके बाद 1 2 स्किप करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर काउंट करेंगे 1 2 स्किप करेंगे, फिर 1 और 2, 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। 2 के बाद फिर देखिए अब ये जो सेंटर में, देखिए आपको देखना है सेंटर में आपके 3 सिंगल क्रोशिया कहाँ हैं, 1 2 3। तो ये जो कॉर्नर वाला है इसमें हम इस तरह से ये देखिए 1 बनाएंगे, फिर देखिए जो बीच वाला है उसमें हम बनाएंगे। अब देखिए पीछे की साइड जहाँ हमने बनाया 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हम फिर से एक बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम 3 बनाएंगे, 1 2 3, 3 बनाया। फिर एक और बनाएंगे, ये देखिए तो यहाँ पे ये एक हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। और ये जो सेकंड वाला है ये इसमें जिसमें हमने ये बनाया है, देखिए जिसमें हमने बनाया इसी में इस तरह से उठाएंगे ये, और फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद वाले में ही देखिए इस तरह सिंगल क्रोशिया को उठाएंगे और ये देखिए इस तरह। फिर यहाँ पे 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में, तो ये हमारे पास 5 सिंगल क्रोशिया हो गया, देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे सिंगल बनाया, 2 यहाँ, 1 यहाँ। अब देखिए ये पांचवा और ये छठा, ये जो 2 हैं ये हम एक साथ बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट रो है वो हमारी सेम बनेगी। देखिए ये एक लिया, एक ये लिया, यहाँ पे इसे हमने बंद किया। फिर यहाँ पे 2 3 4 और ये 5, ये हमने 5 बनाए। फिर इसमें 3 बनाएंगे, 1 2 3। तो जैसे हमारी बाकी रो हमने बनाई है वैसे ही हम बनाते जाएंगे। तो इसकी बनाएंगे, फिर इसकी 2 बनाएंगे, फिर वापस हमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं आपको 3 लाइनें बना के फिर बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने फिर से इस दूसरे कलर की भी ये रो कंप्लीट कर ली। अब हम फिर ये क्रीम कलर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ लिया है। अब देखिए फिर इस रो में हमें वापस से डिज़ाइन बनानी है। ये देखिए इस अभी हमने ये मैंने वाली रो आपको बताई थी, इसके बाद 1 2 3 4 लाइनें मैंने बनाई हैं। रो सारी एक जैसी ही होंगी, बस ये जो डिज़ाइन वाली रो है ये थोड़ी सी अलग होगी कि हमको डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। और अगर आप डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे जिस मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है, अगर आपको डबल क्रोशिया बनाना होगा तो यहाँ पे आप ट्रिपल क्रोशिया बनाइएगा, ये जो डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाइएगा। अब देखिए ये 1 और ये 2, ये एक साथ बना, 1 हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, ये 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जो तीसरा है फिर देखिए इसमें ये देखिए ये सेंटर में देखिए 1 2 और 3, ये हमें देखना है कि सेंटर में हमारे 3 कौन है, 1 2 3 है। तो इसमें इसमें हम ये बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से ये बनाया। फिर उसके बाद हम ये सेंटर वाले में इस तरह से उठाएंगे, फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे, यहाँ बना है तो 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हो गया 1 2 3 4 हो गया। और ये हो गया एक, सॉरी 1 2 3 4 5 हो गया। 5 के बाद नेक्स्ट में हम 3 बनाएंगे, 1 2 3, 3 बनाया। फिर वापस से 1 बनाएंगे, ये हमने 1 बनाया। फिर एक डबल क्रोशिया जिसमें हमने ये लास्ट वाला बनाया सेकंड वाला, इसी में बनाएंगे, देखिए इस तरह से इसमें हमने बनाया। फिर एक इसके बाद वाले में, ये देखिए इसमें
ये हमने बनाया। फिर यहाँ पे पीछे देखिए जहाँ हमने बनाया है उसके बाद 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ में, तो ये टोटल हमारे पास 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पे 1 2 स्किप करेंगे, यहाँ 1 और ये 2, ये 2 हमने बनाया। फिर वापस से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो फिर इसके लिए देखेंगे हमारा सेंटर वाला कहाँ है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने 3 बनाया, 1 1 2 और 3, तो ये जो थर्ड वाला है इसमें हम इस तरह से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक यहाँ से उठाएंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जहाँ हमने बनाया है उसके बाद देखिए 1 2 स्किप करेंगे थर्ड वाले में, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर अब इसके बाद 3 1 2 3, और इसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारी खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगी। तो मैं आपको एक डिज़ाइन और बना के फिर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 डिज़ाइन बना ली है और इसी तरह से आपको रिपीट करना है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब अगर आपको इसको मल्टी कलर में बनाना है तो देखिए ये जो रो है, एक आपको बेस कलर रखना है और बेस कलर के बाद ये जो बीच की रो है ये आप किसी भी कलर की बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाल लिया, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली जो रो होगी हमारी उसमें कलर चेंज होगा, जो ये क्रीम कलर की रो है जिसमें हम ये डिज़ाइन बनाते हैं वो सेम रहेगी, ये बेस रो होगी। और देखिए इसका रॉन्ग साइड का लुक इस तरह से है, आप इसे सेकेंड साइड से भी यूज़ कर सकती हैं, मतलब अगर ब्लैंकेट और शॉल वगैरह के लिए बनाना हो तो भी आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। देखिए कितनी प्यारी है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन, मुझे बहुत खूबसूरत लगी और मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। और आपको अच्छी लगी तो आपको पता नहीं क्या करना है, जी हाँ, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और हाँ सही ज़रूरी बात, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी डिज़ाइन कैसी लगी। और फ्रेंड्स एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें, हो सकता है जिस डिज़ाइन की आपको तलाश हो डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पर मिल जाए, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।